से बंगाल के लोगों को क्या बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। मंदिर वहां पर बन ही रहा है, लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी बार बार ये दावा करती है, हालांकि वो कोर्ट का फैसला था, मंदिर बनना शुरू हो चुका है, लेकिन नहीं नहीं यहाँ पर मुद्दे पर क्यों नहीं आते? महंगाई, रोजगार, इन चीजों की बात क्यों नहीं होती है? अभय दुबे जी कह रहे हैं आप ना राम के हैं ना दुर्गा के। हाँ देखिए देखिए इनके इनके जो प्रदेश अध्यक्ष देखिए बाहर क्यों नहीं किया? देखिए मैंने प्रदेश अध्यक्ष ने मैं कह भी नहीं सर हमको मेरे का ऐसा अपमान किया। चित्रा जी ये गलत बात है, आपने हमसे पूछा है। बिहार में मुंगेर में माँ दुर्गा के धर्मावलंबियों की नृशंस हत्या की आपने गोलियां चलाकर। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो श्रद्धा से माँ का विसर्जन करना चाहते थे। तो आप ना राम के हैं ना किसी काम के। चित्रा जी ने ठीक कहा, बताइए ना राम राज्य की अवधारणा क्या है? क्या सभी को रोजगार मिलना राम राज्य की अवधारणा नहीं है? क्या राम राज्य की अवधारणा है कि 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का डीजल, 250 रुपए गैस के सिलेंडर? चित्रा जी मैंने यही सवाल पूछा है कि महंगाई की बातें पर सब ठीक है जी। ठीक है ठीक है, अब मेरे ही सवाल को आप दोहराएंगे अभय जी, वो ठीक नहीं होगा। बोले जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मैं मानो के पास में जाऊंगी। हाँ संगीत रागी जी, मुद्दों पर क्यों नहीं बातचीत होती? ये जय श्री राम, चाहे आप जय श्री राम कहिए, चाहे ममता बनर्जी यहाँ पर मंदिर मंदिर जाए और चंडी पाठ करें, वो तो सबका अपना व्यक्तिगत धार्मिक विषय है ना। हमें तो मुद्दा चाहिए, आम गरीबों का भला कैसे होगा, रोजगार कैसे आएगा, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, जिन किसानों ने सिंगूर या नंदीग्राम का आंदोलन किया उनके लिए, उनके विकास के लिए क्या किया गया, ये सवाल बड़ा होना चाहिए ना। जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद बीजेपी और टीएमसी के पास में जाऊंगी। बोलिए जल्दी। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाया है, लेकिन इसका उत्तर भी सुन लीजिए। देखिए जो धार्मिक मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह जाता है। यदि ऐसा होता तो सीएए पर पूरे मुस्लिम समाज भारत का उठ करके सड़कों पर नहीं आता। तीन तलाक का मुद्दा था वो व्यक्तिगत आधार पर होता तो बात समझ में आती थी, लेकिन पूरा मुस्लिम समाज उद्वेलित होकर के साथ खड़ा हो जाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर यदि भारतीय जनता पार्टी यदि इन मुद्दों को उठाती है तो वो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं। पश्चिम बंगाल की 123 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों ने वहां की जो रिलीजियस डेमोग्राफी है उसमें व्यापक परिवर्तन लाया है। और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इसी रिलीजियस डेमोग्राफी के आधार पर इस भारत का विभाजन हुआ था, को पाकिस्तान इसी रिलीजियस डेमोग्राफी के आधार पर पंडित नेहरू ने विभाजन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। इसी 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 आप जो है संख्या आयोग बनाते हैं, मतलब जो गलतियां हुई थी उसको ठीक किए जाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, नीतियां बनाते हैं और कहते हैं कि धर्म का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे संभव है? सेकंड सिर्फ चाहता हूं जवाब देने के लिए। देखिए बोलिए बोलिए पूछिए। अब जी बोलिए बोलिए। 2020 1 जनवरी 2020 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नोटिफाई हो गया, अब तक लागू क्यों नहीं हुआ बताइए संगीत रागी जी? क्यों? क्योंकि असम में आप जाकर इसकी बात नहीं करना चाहते थे। आप लोग करने नहीं दिए सर, क्यों नहीं हुआ? करने नहीं दिया। हम कौन हैं? आप सारे मुसलमानों को लेकर के सड़कों पर आ गए, मनमानी कर ली। आपके लिए इस देश का महत्व नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण ये बात है कि मुसलमानों को कैसे भड़का करके सड़कों पर लाया जाए। आपकी तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो इंडियन मुजाहिदीन के साथ खड़ी हो जाती है, भूल जाते हैं इंडियन मुजाहिदीन के साथ, आजमगढ़ के इंडियन मुजाहिदीन के साथ आपकी कांग्रेस के अध्यक्ष खड़ी हो जाती है। बताइए बताइए ना कि कांग्रेस के अध्यक्ष इंडियन मुजाहिदीन के साथ खड़ी क्यों हो जाते हैं, यही बता दीजिए आप। आपकी पार्टी सर, राम को तो आपने बनवास दे दिया था, चुनाव राम 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 को तो आपने, राम को तो आपने काल्पनिक चरित्र बता दिया था, एक एक करके रोम हरा था, राम और लड़ाई राम और राम के बीच में रोम को हरा चुके हैं। राम और रोम की लड़ाई इस देश में 15 साल से चालू थी, रोम को हमने परास्त कर दिया है, अब बाकी अब बचे हुए उनको भी परास्त किया जाएगा। भगवान को नाव में बिठाया, राम से लड़ना चाहता था, रोम राम से लड़ना चाहता था, रोम को हम लोगों ने परास्त किया है, रोम को परास्त किया गया है, आगे दूसरे को भी परास्त किया जाएगा। नहीं की जा सकती, आप राम के अनुयायी नहीं हो सकते। राम वैमनस्य का प्रतीक नहीं है, राम प्रगति का प्रतीक है।